click the bell icon and never miss another update from Bollywood Spy. KBC यानी कि कौन बनेगा करोड़पति, इसकी एंकरिंग को लेकर मतलब शो प्रेजेंट करने को लेकर जो शो होस्ट करता है काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशंस आ रही हैं मीडिया में। कभी नाम सामने आता है सलमान खान का जो कि आ रहा है जा रहा है ऐसा हो रहा है, और अब नाम सामने आ रहा है ऐश्वर्या राय बच्चन जी का। भाई सलमान की एंकरिंग तो हम देख चुके हैं, लाजवाब है, लेकिन ऐश्वर्या को आंकना कम थोड़ा सा टफ होगा। मैं हूं राहुल भोज और आज इसी बात को लेकर ऑडियंस के दिल में उनके दिमाग में क्या हो रही है खलबली निकाल के लाऊंगा सारी बातें सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि एक्सक्लूसिव बातें मैं लाता हूं ओनली ऑन बॉलीवुड स्पाई। मुझे लगता है कि सलमान फॉर श्योर, बिकॉज ही इज अ बॉलीवुड सुपरस्टार, भाईजान सब उन्हें बहुत प्यार करते हैं, एंड ही इज गोना रॉक इट। ही इज बीन डूइंग बिग बॉस फ्रॉम लास्ट 4-5 इयर्स एंड ही इज डूइंग प्रीटी वेल। आई थिंक ही इज गोना रॉक इट फॉर श्योर। सलमान खान कर सकते हैं, ऑब्वियसली सलमान खान, क्योंकि उन्होंने बिग बॉस भी होस्ट किया है और वो बहुत ही पॉपुलर है और सारे लोग उनको ही चाहेंगे कि वो होस्ट करें। हाँ सर, आपको उनकी एंकरिंग और जो वो जिस तरह से बोलते हैं और जो करते हैं वो कैसा लगता है? वो बहुत अच्छा बोलते हैं और सबको साथ में लेके चलते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है, और सबके साथ कोऑर्डिनेटर बना के रखते हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन बना के रखते हैं, तो वो बहुत अच्छा है और वो बहुत बेटर करे। शी इज़ ब्यूटिफुल और वो अमिताभ बच्चन की बहू है तो अच्छा ही करेंगी, वो साथ में रहते हैं, फैमिली है तो उनको अच्छा अच्छा बताएंगे कैसे करना है एंड ऑल, तो अच्छा ही परफॉर्म करेंगे वो। सलमान खान, बिकॉज उन्होंने 10 का दम भी किया है और उन्होंने ये भी होस्ट किया है बिग बॉस, तो काफ़ी अच्छा किया उन्होंने, और उनका एक पर्सनैलिटी भी अच्छी है, जो वो होस्ट कर सकते हैं वो उसमें ऐश्वर्या राय में उतना दम नहीं है होस्ट करने में। एंड सर, सलमान खान की बोला आपने एंकरिंग अच्छी है, कंपेयरिंग अच्छी है, तो क्या अच्छा क्या लगता है उसमें आपको? उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है और एक वो सुपरस्टार भी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं, अगर उनका एक बहुत बड़े वो उनका नाम है इंडस्ट्री में और हाँ चाम है उनमें, और एक हैंडसम हंक है एकदम मस्त, तो सुंदर है, पर वो इतना ज़्यादा होश नहीं कर पाएंगे जो सलमान खान में दम है ना, जो उनमें 10 का दम है वो उनमें नहीं है और किसी में नहीं है 10 का दम। हम सलमान क्यों क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि सलमान खान बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे प्रोसीजर अच्छे से किए हुए हैं, तो इसकी वजह से सलमान खान बहुत अच्छा करेंगे। ओके, तो उन्हें 10 करोड़ भी किया है, वो 10 कदम भी किया है, वो 10 कदम में आए हैं, तो इसके लिए पब्लिसिटी उसको अच्छी मिलती है, तो बहुत अच्छे हैं वो, जो लेडीज़ नहीं कर पाएगी, ऐश्वर्या जी नहीं कर पाएगी जितना अच्छे वो कर पाएंगे सलमान जी। सर ये तो है, काफ़ी अच्छा करेगी और लोगों को काफ़ी एक्साइटमेंट रहेगा उसको देखने के लिए, ठीक है, और काफ़ी टाइम से वो टीवी से दूर थी और लोग जो उनके फ़ैन हो गए, जो उनके लिए तो खुशखबरी है, और मैं भी उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ठीक है, तो बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे लिए और बहुत अच्छा लगेगा उनको देखकर, और बस यही देख सकते कि हम बहुत एक्साइटमेंट है और कुछ नहीं। सर वो बहुत अच्छी एक्टर है, काफ़ी उन्होंने लीड रोल हीरोइन है वो, ओके, और वो टीवी स्टार है, ओके, और इसमें कोई डाउट नहीं कि वो अच्छा नहीं करेगी, ठीक है, बस ये देखना है कि वो अभी क्या करेगी। सलमान ही सलमान, और उन्होंने बिग बॉस काफ़ी अच्छे से किया था, तो KBC भी कर ही देगी। ऑब्वियसली सलमान खान, बिकॉज सलमान खान इज़ वेरी कैची एंड यू नो व्हाट एंड आई गेस पीपल विल वॉच मोर इफ सलमान खान इज द एंकर। या श्योर, बट यार बच्चन परिवार की बहू है वो, तो कुछ ससुर जी ने दो, शी इज मिस वर्ल्ड एंड ऑल, बट आई डोंट थिंक सो शी इज सो कैची जितना सलमान, यू नो सलमान जो भी बोलता है दैट्स टू अट्रैक्टिव, एंड ऐश्वर्या राय आई डोंट थिंक सो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आई गेस ऐश्वर्या बहुत कॉन्फिडेंट हैं एंड शी इज़ वेरी स्मार्ट, शी इज़ वेरी नॉलेजेबल बिकॉज शी इज़ ऑलरेडी वन मिस वर्ल्ड, शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमेन इन द वर्ल्ड, सो आई थिंक ग्लैमर प्लस नॉलेज का जो ये एक नया KBC में हमें देखने को मिलेगा, सो वेटिंग फॉर इट। यार अकॉर्डिंग टू मी सलमान खान, बिकॉज ही हैज़ डन बिफोर दिस ऑल्सो बिग बॉस एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम ऑल्सो, एंड ही इज़ अ वेरी काइंड ह्यूमन ऑल्सो, लाइक इट्स लाइक नॉट ही इज़ अ मुस्लिम और हिंदू, आई एम नॉट गोइंग अबाउट द रिलीजियस, बट ही इज़ अ वेरी काइंड ह्यूमन एंड ही हैव डन लॉट ऑफ प्रोग्राम्स बिफोर दिस ऑल्सो एज एन एंकर, 10 कदम ऑल्सो एंड बिग बॉस ऑल्सो, सो दैट्स वाई आई लाइक हिम। जी देखिए, मुझे लगता है कि भाई उनके जाहिर सी बात है कि उनके घराने से है, तो बहुत अच्छा करेंगी, और ख़ास तौर से मैं आपको रियली बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा,
कि मैं उनके गाना वगैरह देखता हूँ। तरह जो मूवी पिछली देखी है देवदास है, हम दिल दे चुके सनम, और उसका एक गाना है निमड़ा निमड़ा, उसका मुझे डांस इतना अच्छा लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा। तो मुझे उम्मीद है कि भाई उनके जब घर से हैं, वो उनकी पुत्र वधू हैं, तो जय अमिताभ बच्चन जी की, तो जय सी बात है कि वो बहुत अच्छा करेंगी। और उनके घर में रह के कुछ मतलब सीख भी मिली है, ऐसी बात नहीं है, तो उनसे सीखती भी होंगी। तो मेरा कहना ये है कि मतलब बहुत अच्छा करेगी, ऐसी बात नहीं। को पता है वो मिस वर्ल्ड रह चुकी है, और इतनी मिस वर्ल्ड रहना कोई मामूली बात तो नहीं है। ओके, और काफ़ी उनको एक्सपीरियंस है हॉस्टल कैसे मतलब लोगों से किस तरह से बातें करनी है, काफ़ी कुछ है उनमें। और एक ग्लैमरस भी मिल जाएगा, उनका न्यू लुक भी देखने मिल जाएगा लोगों को। मेरे हिसाब से सलमान खान ज़्यादा अच्छे से कैरी ऑफ करेगा, उनका एक्सपीरियंस इतना है एज अ होस्ट। वो बिग बॉस होस्ट करते थे, 10 का दम शो आता था वो होस्ट करते थे, और प्लस उनका फैन फॉलोइंग इतना है कि मुझे लगता है वो बेटर करेंगे। तो मेरी लाइव ऑडियंस ने तो अपना आंसर दे दिया कि सलमान या फिर ऐश्वर्या। आपको क्या लगता है? आपका जो भी है कमेंट, जो भी है आपका सजेशन, नीचे कमेंट बॉक्स आपका अपना है, बिंदास कमेंट टाइप कीजिए, क्योंकि चैनल आपका अपना चैनल है यार, बॉलीवुड स्पाय, जो पहुंचाता है सबसे तेज, जैसा मैं बाइक चला रहा हूं वैसा, और एक्सक्लूसिव न्यूज़। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सभी जगह पर हमारी पकड़ है, हम सभी जगह पर हैं, आप बस वहां पर जाकर हमको फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम पीपी राहुल भोज, विद कैमरामैन विशाल। ओए आजा बैठ जा।